हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एलजी का 15 इंच का फ्लैट ऑन का टीवी है। इस टीवी को प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा नया जो चैनल पर नया दोस्त है उसको कहूँगा हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। दोस्तों मैं टीवी को पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टैंड बाय से रिलीज भी हो गया, पावर इंडिकेटर भी जल गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद दोस्तों देखिए टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है। देखिए दोस्तों कैसे पिक्चर आ रहा है, धुआं सा पिक्चर है वो हमारा, जैसे वो कोहरा होता है ऐसे पिक्चर आ रहा है, और कोल्ड पिक्चर जो बोला जाता है वो ऐसे ही पिक्चर आ रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है। जो सफ़ेद वाला जो हमारा व्हाइट स्क्रीन होता है वो ऐसे वाला पिक्चर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है उसको देखने के लिए पहले टीवी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा सिस्टम पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों ओपन करने से पहले भी बता देता हूँ हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है। जो हमारा बेसबोर्ड होता है, जो नेक का बेसबोर्ड है, वो वाला बेसबोर्ड से ही प्रॉब्लम है और कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये रहा हमारा 15 इंच का जो ट्यूब है, जो फ्लैट ऑन का टीवी का ट्यूब है, और ये वाला हमारा जो योक कॉयल है, योक 15 इंच का योक है, और ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये मेन पीसीबी से नहीं है, ये हमारा बेसबोर्ड का प्रॉब्लम है। ये बेसबोर्ड पर हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, ये वाला जो हमारा प्रॉब्लम, जो व्हाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आया है, जो कोहरा टाइप का पिक्चर आ रहा है, वो वाला प्रॉब्लम के लिए कहाँ पे देखना पड़ेगा वो बता देता हूँ। दोस्तों हमारा ये जो निक होता है, निक पे हमारा फोकस का एक पॉइंट रहता है जो काम करता है हमारा जी टू पे जब हमारा काम करता है, जी टू जो होता है, जी टू हमारा लाइट काम करता है, और हमारा जी वन जो होता है वो हमारा सिस्टमेटिक है। और जब मोटा वाला जो वायर है, ये जो मोटा वाला जो वायर दिया गया है ईएसटी पे, ये ईएसटी का फोकस का पीसेट के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा जो टीवी का बेस होता है, जो टीवी का निक का बेस बोर्ड होता है, और बेस जो लगाया होता है, जो हमारा ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, वो वाला बेस से हमारा कनेक्टेड है मोटा वाला वायर। ये वाला मोटा वाला वायर पे हमारा फोकस का जो प्रीसेट का कनेक्टेड है, वो वाला फोकस का सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है। ये वाला बेस पे जो हमारा मोटा वाला वायर लगाया हुआ है, ये बेस हमारा ख़राब हो चुका है। और अंदर में गाउन के साथ जो फोकस स्क्रीन करना चाहिए था वो फोकस स्क्रीन कर नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए ही हमारा टीवी पे पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है। और हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज हमारा सही है अभी तक नहीं, तो हमारा जो भी पिक्चर आ रहा है वो नहीं आता। लेकिन हमारा जो धुआं सा पिक्चर आ रहा है और उसके लिए जमीन जो प्रॉब्लम दे रहा है वो हमारा बेस है। ये बेस प्रॉब्लम, बेस को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला जो फोकस का प्रीसेट दिया गया है ईएसटी पे, वो फोकस का प्रीसेट काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो हमारा पिक्चर भी क्लियर नहीं आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला जो बेस दिया गया है बेस को चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके हम लोग देखेंगे हमारा पिक्चर क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं बेस को खोल के नया वाला बेस लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला जो बेस था ये बेस को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये बेस को चेंज करके पुराना नया वाला बेस लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देने के बाद देखते हैं हमारा बेस चेंज करने के बाद हमारा पिक्चर पे कैसे रिजल्ट आता है, और जो हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद देखते हैं हमारा टीवी पे जो पिक्चर का प्रॉब्लम था, जो धुआं सा पिक्चर आ रहा था, वो पाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इसके लिए देखना पड़ेगा हमारा स्क्रीन पे कैसे पिक्चर आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारा टीवी का जो पिक्चर का प्रॉब्लम था पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और हमारा जो प्रॉब्लम जो सिस्टम पे दे रहा था वो वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर है। देखिए भी मूड पे आ गया है, और मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ।
देखिए हमारा जो हमारा चैनल मूड पे आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था हमारा टीवी पे क्लियर पिक्चर नहीं था, और क्लियर पिक्चर आने के लिए ये दो चीज़ को जो गौर करना ज़रूरी है। जो हमारा ESD पे होता है, एक तो होता है हमारे ESD पे फोकस, और एक होता है स्क्रीन। स्क्रीन करता है हमारा लाइट को अप डाउन, और फोकस करता है हमारा पिक्चर को क्लियर, और वो पिक्चर को क्लियर करने के लिए काम आता है हमारा बेस। और बेस हमारा कनेक्टेड होता है हमारा बेस बोर्ड से और हमारा ट्यूब से। और बेस हमारा अंदर से ख़राब हो जाएगा तो इस वाला पॉइंट पे जो मोटा वाला वायर लगाया हुआ है, ये मोटा वाला वायर जब तक अंदर में ठीक ठाक कनेक्ट नहीं होगा और ग्राउंड के साथ कनेक्ट काम नहीं करेगा, तब हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं आएगा। और हमारा टीवी पे लाइन देने के बाद हमारा जो इंडिकेटर होता है, जो पिक्चर होता है, जो मोटा वाला वायर है वो अंदर में काम करता है, और काम करने के बाद हमारा पिक्चर क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जब तक हमारा टीवी पे ये सब क्लियर नहीं आएगा तब तक हमारा टीवी पे पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, और हमारा लाइन देने के बाद, टीवी को पावर देने के बाद हमारा पिक्चर धुआं सा पिक्चर आता है, और आने के बाद हमारा आधा घंटा एक घंटा तक हमारा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है और हमारा टीवी पे पिक्चर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बेस जब तक हमारा सही रहेगा, वो बेस हमारा क्लियर काम करेगा, तो हमारा टीवी पे पिक्चर आना ज़रूरी है, हमारा पिक्चर आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, मैं एबी मूड पे लगा चुका हूँ और टीवी पे जो पिक्चर होता है पिक्चर देख लेते हैं कैसे क्लियर आया है। दोस्तों टीवी में आगे से घुमा चुका हूँ, घुमाने के बाद देखिए टीवी को पावर को खोल देता हूँ। खोलने के बाद मैं टीवी को पावर देने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा था, और आप कैसे बेस चेंज कर देने के बाद हमारा पिक्चर कैसे आ रहा है। देखिए दोस्तों हमारा एक चांस से ही हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और हमारा टीवी पे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।